गाइज़ वेलकम टू माई चैनल लेट्स साउंड फ्लू एंड सो गाइज इन टू डे वीडियो आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू सम न्यू वोकैबलरी वर्ड विच यू कैन यूज ऑफन ऑन योर डे टू डे वोकैब सो गाइज इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल दैन यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर अपकमिंग न्यू वीडियोज सो गाइज लेट्स गेट इन टू द वीडियो सो गाइज आज की वीडियो का फर्स्ट वर्ड है हॉट सी डॉट सी हॉट सी डॉट सी का मतलब होता है एज वाइट एज कैन बी परफेक्ट वेरी गुड ऑल प्लेसिंग यानी जो चीज़ बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो अच्छी हो उसे हम कहेंगे हॉट सी टॉट सी फॉर एग्जाम्पल वी हैड कॉन्फ्लिक बट एवरी थिंग इज हॉट सी टॉट सी नाव यानी हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्टे विवाह थे, थे बट अब सब कुछ परफेक्ट है हॉट सी टॉट सी है सो गाइज नेक्स्ट वर्ड है फिल्म फ्लैम गाइज़ फिल्म फ्लैम का मतलब होता है टू ट्रिक डिसीव स्विंडल और चीट यानी किसी को ट्रिक करना धोखा देना चीट करना उसे हम कहेंगे फिल्म फ्लैम एंड इनसेंसीयर टॉक फॉर एग्ज़ाम्पल आई वॉज सिक ऑफ़ हिज इंटलेक्चुअल फिल्म फ्लैम यानी मैं उसके इंटलेक्चुअल फिल्म फ्लैम से तंग आ चुका हूँ गाइज़ नेक्स्ट वर्ड है ग्यू गो गाइज़ ग्यू गो का मतलब होता है इंग्लिश में समथिंग गॉडी एंड यूज़लेस गॉडी का मतलब जो चीज़ बहुत दिखने में ज़्यादा बहुत फ्लैशी हो एंड बहुत चीप क्वालिटी की हो तो उससे हम कहेंगे गॉडी एंड यूजलेस फॉर एग्ज़ाम्पल स्टॉप स्पेंडिंग टाइम ऑन ग्यू गो थिंग्स यानी अपना जो टाइम है वो वेस्ट करना बंद करो ग्यू गो थिंग्स में सो गाइज़ नेक्स्ट वर्ड है फिडल फूटेड गाइज फिडल फुटेड का मतलब होता है रेस्ट लेसली यानी जो चीज का बहुत ज़्यादा पॉइंटलेस मूवमेंट हो रहा हो उसे हम कहेंगे फिडल फुटेड फॉर एग्ज़ाम्पल डार्ट पोनी फिडल फूटेड हॉर्स यानी जो पोनी टेल है वो हिलती जा रही है लाइक अ फिडल फुटेड हॉर्स की तरह एंड गाइज नेक्स्ट वर्ड है पालजी वालजी गाइज़ पालजी वालजी का मतलब होता है एक्सेसिव फ्रेंडली यानी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाना उसे हम कहेंगे पालजी वालजी फॉर एग्ज़ाम्पल डोंट गेट पालजी वालजी वन मीट समन फॉर द फर्स्ट टाइम यानी ज़्यादा किसी से फ्रेंडली ना होना जब किसी से फर्स्ट टाइम मिले तो एंड गाइज नेक्स्ट वर्ड है ही जी का मतलब होता है कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम नर्वसनेस कॉज्ड बाय फियर एंड वरी यानी जब हमें बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो जाती है परेशानी या डर के कारण उसे हम कहते हैं हीबी फॉर एग्ज़ाम्पल वॉचिंग न्यूज़ नाव अ डेज इज़ मेकिंग मी गो ही यानी आजकल की न्यूज़ देखना मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस कर देता है एंड गाइज नेक्स्ट वर्ड है ट्रू ब्लू गाइज ट्रू ब्लू का मतलब होता है अनवेवरिंगली लॉयल और फेथफुल यानी कोई चीज़ जो कॉन्स्टेंट लॉयल है और फेथफुल है भरोसा करने लायक है उसे हम कहेंगे ट्रू ब्लू फॉर एग्जाम्पल शी रिमेन ट्रू ब्लू फ्रेंड थ्रू थिक एंड थिन वो हमेशा ट्रू ब्लू फ्रेंड रहेगी अंडर ऑल सर्कम यहाँ पे जो थिक एंड थिन है वो एक एज ए डी यूज़ हुआ है तो उसे हम कहेंगे अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस एंड गाइस नेक्स्ट वर्ड है और प्रॉपर एम और प्रॉपर का मतलब होता है सेल्फ एस्टीम सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर एग्जांपल ऑलवेज स्टैंड अप फॉर योर और प्रॉपर सो गाइज़ ये थी आज की वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर अपकमिंग न्यू वीडियोज़